रिकॉर्ड इस स्टेप के साथ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज हम प्रैक्टिस करेंगे बैक फ्लिप की। बैक फ्लिप एक बहुत इजी सा फ्लिप है जिसे आप अकेले भी सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोच या टीचर वगैरह हो तो अच्छी बात है, इससे आपको चोट नहीं लगेगी। तो इसमें फर्स्ट स्टेप ये है कि आप अपनी चेस्ट को अपने नीज के करीब लें, इससे बैक फ्लिप के स्पिन मोशन में स्पीड बनेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टेप वन समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन स्टेप टू। तो स्टेप टू में आपको एक और अमेजिंग फ्लिप सीखने को मिलेगा जो आप अकेले भी ट्राई कर सकते हो। तो इसे कहते हैं मकाको फ्लिप। ये आपको नीचे की तरफ बैठना है और पीछे की तरफ मोशन देते हुए जाना है, तो इसे मकाको फ्लिप कहते हैं। सो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे एक स्टूडेंट के साथ जिससे आपको फुल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसमें आप खुद को पहले प्रिपेयर करें एक हाई जंप के लिए। आप जितना हाई जंप करेंगे आपकी बैक फ्लिप उतनी ही अच्छी लगेगी। तो इसके साथ साथ ही आपको स्टेप वन को ऐड करना है कि एक हाई जंप के साथ आप अपनी नीज को बेंड करें, इससे आपकी बैक मोशन में स्पीड बनेगी और बैक फ्लिप अच्छी लगेगी। तो इसमें फाइनल स्टेप ये आता है जिसमें आप अपनी आई साइड को सेट करते हैं अपनी बैक फ्लिप में, ताकि आप अपनी लैंडिंग को लेके आ सकें ग्राउंड में बैक फ्लिप को लगाने के लिए, खड़े होने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इससे मोटिवेशन मिली होगी कि आप बैक फ्लिप को सीख सकते हैं। अकेले सीखना मुश्किल होता है, अगर आपके पास कोच वगैरह हो तो इसमें अच्छा होगा। सो गाइस, ये रहा फाइनल रिजल्ट। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।